हे गाइस वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। अभी आप लोगों का शेड्यूल आ गया। एक्चुअली मैं लेट हूँ, बहुत पहले शेड्यूल आ गया, 24 आवर्स में भी हो चुका होगा। बट जो भी है, इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को दो तीन चीज़ें बतानी है इसमें अपने एक्सपीरियंस से। एक्चुअली होता क्या है कि बहुत स्टूडेंट काउंसलिंग करते हैं और ऐसे तरीका से करते हैं जिसमें कॉलेज मिलना होता भी है तो भी नहीं मिल पाता है। देखो सिंपल सी बात है, कम मार्क्स पे भी कॉलेज मिल सकते हैं अगर सही तरीका से करो, अच्छे स्टेट में करो, उस स्टेट में करो जहाँ पे ऑल इंडिया कोटा में कम जाए कट ऑफ। जैसे आसाम हो गया, कर्नाटका, केरला, साउथ के जितने भी मैक्सिमम कॉलेजेस हो गए कम जाते हैं, तमिलनाडु वगैरह सारे जहाँ जहाँ कम जाएगा वहाँ पे काउंसलिंग करना। तो MBBS अगर नहीं भी मिलता है तो गवर्नमेंट BDS मिल जाएगा। और जिन किसी को लगता है कि यार अब बहुत होगी, अब मन नहीं कर रहा अब इस चीज़ को पढ़ने का दोबारा, तो वो BDS लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है। इंडिया में थोड़ा सा BDS को कम रखा जाता है, बट वही आप USA चले जाओगे तो वहाँ पे डेंटल को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि हर एक बंदा और जो भी होते हैं हर एक इंसान डेंटिस्ट के पास हर एक मंथ जाता ही जाता है, इंडिया में नहीं जाते, इंडिया का खुद का ही सारा कुछ हो जाता है, बट वहाँ पे कंपलसरी है। तो फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, सारा कुछ अनप्रेडिक्टेबल है। और एग्जांपल 2020 है, 2020 का जो ये ईयर है वो आपके सामने एग्जांपल है कि लाइफ में कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल होते हो सकता है। ठीक है, सब चीज़ अनप्रेडिक्टेबल है, तो अब इसलिए बता रहा हूँ सही तरीका से करना। अब इसमें है डेट वगैरह, तो डेट वगैरह देख लो, आप लोग डाउनलोड कर चुके हो गए, आई थिंक देख भी चुके हो गए सारा कुछ। तो इसमें दूसरा इम्पोर्टेंट क्या है, दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि एम्स का जो आपका काउंसलिंग होगा वो 100% ऑल इंडिया कोटा होगा, उसमें कोई स्टेट कोटा नहीं होगा। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में एम्स, तो वो एम्स में ऐसा नहीं होगा कि 15% देंगे ऑल इंडिया कोटा में, बाकी 85% दे देंगे दिल्ली वालों को। पटना में है तो पटना में 15% उनको देंगे ऑल इंडिया कोटा और बाकी 85% स्टेट कोटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। टोटल 18 कॉलेजेस हैं एम्स के, टोटल 1800, अगर 100 सीटें हो पर एम्स तो 1800 सीटों पे काउंसलिंग होगा, तो 1800 सीट वो हो गया प्लस जिपमर। जिपमर में क्या होगा कि कुछ सीटें स्टेट कोटा में जाएगी और कुछ सीटें 170 आई थिंक ऑल इंडिया कोटा में जाएगा और 75 स्टेट कोटा में जाएगा, तो ऐसे सीट निकलेगा। तो आप ऐसे समझो ना कि 2000 स्टूडेंट निकाल दो, जैसे किसी का 2000 रैंक है, मान लो दिल्ली में रहता है और रैंक है 2000, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक। अब क्या वो सोच रहा है कि अब आगे का जो 1900 बच्चे हैं, 1999 बच्चे हैं, वो लोग का क्या, तो वो लोग तो यार एम्स में जाएंगे ना, सारे एम्स प्रीफर करते हैं, हर एक एम्स अच्छा होता है, हर एक एम्स अच्छा होता है, आप प्रीफर कर सकते हो। और एम्स से मौलाना आज़ाद, ज़रूरी नहीं है कि मौलाना, मैंने देखा मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज छोड़ करके एम्स भोपाल में एडमिशन ले लिया, ऑल इंडिया रैंक था 14 था आई थिंक 14 था, कैटेगरी OBC था उसका, समझ में आ रहा है ना, ऐसा कुछ। तो 1900 सीटें, 1800 उसका निकाल लो प्लस 100 जिपमर का निकाल लो, 170 के करीब 1900-2000 सीट निकाल लो। मतलब आप अगर दिल्ली में रहते हो और 2000 रैंक है तो मे भी आपको मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। UP में रहते हो, 3000 रैंक है तो मे भी BHU मिल जाएगा। तो सही दिमाग से करोगे ना, सही तरीका से करोगे तो सारा कुछ आपको सही तरीका से मिलेगा। और ऐसा मत करना कि सिर्फ टॉप कॉलेजेस भरे और कुछ कॉलेजेस जो अच्छे हैं एवरेज है उसे ना भर, सारा कॉलेज भरना, गवर्नमेंट अच्छे अच्छे ढूंढ ढूंढ करके अच्छे से सही तरीका से भर देना। और ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एक दिन पहले करना, जो भी आपका डेट होगा उससे एक दिन पहले आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें रिस्क नहीं ले सकते हो। रिपोर्टिंग अगर 6 नवंबर से 12 नवंबर तक है तो आपको कोशिश करना है कि 11 से पहले अपना रिपोर्ट करके सारा कुछ कंप्लीट कर लेना। 12th नहीं, आपके लिए एक दिन पहले लास्ट डेट होगा, समझ में आ रहा है। और रिफंडेबल होगा पैसा, पैसा का टेंशन ना लेना, सारा रिफंड हो जाता है एकदम, उसका प्रोसेस एकदम फाइन है, गवर्नमेंट जो भी करता है एकदम फाइन प्रोसेस है आप लोगों में, JEE मेंस और नीट वगैरह में, बाकी का मैं नहीं बता रहा हूँ, समझ में आया। और अगर कुछ कन्फ्यूजन होगा तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो टेंशन बिल्कुल ना लेना, BDS अगर जो कर सकते हैं BDS भी ले लेना। अगर एम्स में मैंने देखा हुआ क्या था, मेरे साथ में एम्स BDS मिला था, उसे एक SC कैटेगरी का लड़का था तो वो छोड़ दिया, कैटेगरी था तो वो छोड़ दिया, सोचा फिर आगे करके शायद MBBS मिल जाए, कुछ नहीं मिला, घंटा
बस अभी नॉर्मल बीएससी चल रहा, तो इसलिए रिस्क मत लो, अगर मिले तो, अगर लगता है कि नहीं कर पाऊंगा तो ले लेना, बाकी आपकी आपके ऊपर है। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ योर फ्यूचर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगर कुछ नया अपडेट आएगा तो वो आपको अपडेट बता दूंगा। और एम्स में याद रखना ऑल इंडिया कोटा पे ही सारे सीटें होंगे, पूरा का पूरा सीट ऑल इंडिया कोटा में होगा, कोई स्टेट कोटा नहीं होगा। और सर्टिफिकेट वगैरह अपना सारा कुछ बना लेना, जो जो आपको सर्टिफिकेट चाहिए। एलिजिबिलिटी सेम है जो पहले था, नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, बस इतना ही है इंफॉर्मेशन।